ओम शांति। सदा हर्षित और निश्चिंत रहने के लिए हमें याद रखना है कि हमारी यादगार है विष्णु जी शेष सैया पर लेटे हुए हैं। सारे सर्प यानी विकार अधीन हो गए हैं, गीता ज्ञान में मग्न हैं, चारों ओर सागर में लहरें चल रही हैं, लेकिन वे अचल अडोल हैं और वहीं बैठकर सृष्टि की पालना कर रहे हैं। लक्ष्मी चरणों में दिखाई है, अर्थात जिनकी ऐसी स्थिति होती है धन संपदा उनके चरणों में आ जाती है। अपने इस शेष सैया पर विराजमान लेते हुए विष्णु स्वरूप को सामने रखेंगे, अपने को गुड फीलिंग देंगे, ये मेरा ही स्वरूप है, मैं पूर्वज हूँ, मुझे सबकी पालना करनी है, पांचों विकारों पर मैं अधिकारी हूँ, इनके अधीन नहीं, इन पर मेरी विजय निश्चित है, कल्प कल्प मैंने इनको जीता है। जब हम इनको जीत लेते हैं तो ये हमारी रक्षा करने लगते हैं, हमारी छत्र छाया बन जाते हैं, हमें ये कष्ट नहीं देते, क्योंकि आज सारे संसार को ये पांच विकार ही बहुत पीड़ा पहुंचा रहे हैं। सारी समस्याओं के मूल में भी ये पांचों विकार ही हैं। हम सभी बाबा के बच्चे स्वयं को इन विकारों से मुक्त कर चुके हैं। अपने को चेक भी करें, हमने काम वासना को जीत लिया है और बाबा ने कहा है योग बल से एसिडिटी होने से कर्मेंद्रियां भी शीतल हो जाती हैं और काम की फीलिंग्स भी नष्ट हो जाती हैं। हम अपना योग बल बढ़ाते चलें और ये याद रखेंगे, श्रेष्ठ स्वमान और चार घंटे रोज योग के बिना कोई भी काम जीत नहीं बन सकता, क्योंकि ये संस्कार जन्म जन्म के बहुत प्रबल रूप से सबके अंदर समाये हुए हैं, और जो इन पर जीत पा लेता है वे विजयी रत्न बन जाते हैं, 108 की माला में आ जाते हैं। और जिन जो इतनी जीत पा लेते हैं कि उनकी उनकी स्थिति बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह निर्मल हो जाए, विकारों की अविद्या बिल्कुल निर्मल, वे अस्वतन बनते हैं बाप समान, जिनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी स्थिति। क्रोध का भी हमने शमन कर दिया हो, क्रोध को जागृत करने वाली अनेक बातें जीवन में आती हैं, रोज आती हैं, परंतु यदि हम बहुत अच्छे अभ्यास में रहेंगे, यदि हम श्रेष्ठ स्मृतियों में रहेंगे तो क्रोध पर हमारी विजय होती रहेगी। रही बात लोभ की, अब संसार की इच्छाओं के पीछे हमें नहीं दौड़ना है, असली सत्य मिल गया, परम सत्य मिल गया, कुछ जानना बाकी नहीं रहा, तो हमारे अंदर से ये भी आवाज आए कुछ पाना भी बाकी नहीं रहा। और सभी तो आत्माएं हैं, हम मोह किसका करें, अब तो सब कुछ छोड़ कर हमें घर जाना है, जो भी मेरे हैं और मेरा है सब कुछ अब छूटेगा, हम छोड़ना नहीं चाहेंगे तो भी छूटेगा, इसलिए उनके अट्रैक्शन से उनकी इच्छाओं से बाहर निकल जाएं। अहंकार किस चीज का, हमें तो सब कुछ परमात्म देन के रूप में प्राप्त है, उसने हमें डिवाइन बनाया, भरपूर किया, हमारा मान बढ़ाया, हमें पूजनीय बनाया, हमें अपना सर्वस्व प्रदान किया, वो हमें अपना सब कुछ देने आ गया है। तो हम सभी विष्णु समान श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करेंगे, तब विश्व पर राज करेंगे। तो आज सारा दिन अपना ये स्वरूप स्मृति में रखेंगे, सामने रखेंगे और साथ में याद करेंगे, मैं विष्णु समान शीतल निश्चिंत और प्रसन्न हूँ,
सभी की पालना करने वाला हूँ और फील करेंगे बाबा की बहुत आनंदकारी किरणें निरंतर मुझ पर पड़ रही हैं। ओम शांति।